ज माई नाम रिजवान चीमा फाउंडर एंड सी ऑफ मकान सोलूशन प्राइवेट लिमिटेड योर जर्नी फ्रॉम प्लॉट टू होम इस वीडियो में आपको मैं जो ओवरसीज सेंट्रफ कनेक्टिविटी रोड है फ्राम चक्की रोड और जो ब्रिज बनने के बाद जो है कनेक्ट करेगा फोर हंड्रेड फीट मेन बुलेवेट को उसके बारे से एक्सप्लेन करूँगा इस वक्त जो एक्जेक्टिव ब्लॉक का मेन एट्रेंस ब्रिज है उसकी तकीबा कम पे काम हो रहा है ये वीडियो रिकॉर्डेड है एंड ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन आई एम पोस्टिंग अबेट लेट बिकॉज आई वॉज कमिटेड इन अदर थिंग्स तो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने कोशिश तमाम डिटेल्स के क्या इस वक्त सूरत हाल है इस रोड की इस रोड पे इस वक्त जो आप देख सकते हैं कि का काम हो चुका है और इस का काम हो रहा है और बाकी साइड पे जो गोल्फ कोर्स पे अर्थ वर्क काफी स्पीड से जारी है अगर हम बात करें इस ब्रिज की और इस ब्रिज, और इस ब्रिज से कनेक्टिविटी की फिर द मेन चक्री तो चक्री रोड तो रोड से कनेक्टिविटी अभी तक फॉर द टाइम बिंग कोई एक्सेस अवेलेबल नहीं है एग्जेक्टिव ब्लॉक को और इस ब्रिज के कंप्लीट होने के बाद इस रोड बनने के बाद सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा रीसेल मार्केट में वो आएगा एग्जेक्टिव ब्लॉक की एक्जेक्टिव ब्लॉक की रीसेल मार्केट इस वक्त निगलेक्टेड है उस पर ऐसा कोई काम नहीं हुआ और दूसरी बात ये कि वहाँ पे इस वक्त कोई एक्सेस पॉसिबल नहीं है तो एक पुरानी कहावत है जो दिखता है वो दिखता है वो बिकता तो एग्जैक्टिव ब्लॉक तक अभी तक प्रॉपर एक्सेस ना होने की वजह से वहां पर साइट पर कोई लोग विजिट नहीं कर पाते और इसलिए वहां पर रीसेल वैल्यू जो है काफी हद तक नॉमिनली कंपेरिजन टू तो ओवरसीज ईस्ट जैसे मैं पहली वीडियो में जो मैंने ब्रिज की वीडियो बनाई थी उसमें बात कर चुका हूँ कि उसके हवाले से उसके मुताबिक इसकी जो रीसेल मार्केट है वैल्यू है वो कम है मार्केट में एज कंपेयर टू ओवरसीज ईस्ट क्योंकि वहां पर लोग जा सकते हैं विजिट कर सकते हैं उनको ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट नजर आती है तो रीसेल की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती है बहरहाल बैक टू द बेसिक इस रोड पर अगर बात करें कि इस रोड की कनेक्टिविटी की तो अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मास्टर प्लान से कि मास्टर प्लान पर इस रोड की एक्सेस क्या है और इस रोड के राइट और लेफ्ट साइड पर क्या है तमाम चीज़ें मैं आपको आगे चीज़ेंजीद चीज़ें ये वीडियो में आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगा बट सबसे पहले देखते हैं मास्टर प्लान पर कि इस रोड की कनेक्टिविटी की क्या सूरत हाल है इस सब कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान देख सकते हैं और मास्टर प्लान में जो आज की वीडियो है वो इस रोड की है ये जो कनेक्टिविटी रोड है जो ब्रिज से आगे की तरफ जाएगा जिसकी वेट है वन एटी फीट और अभी इस रोड पे सिर्फ जो है कॉम्पेक्शन का काम हुआ है और इसके रोड का लेआउट प्लान बन गया है बट आगे जाके जो इस पॉइंट से कनेक्ट करेगा उस हवाले से है ये वीडियो अब स्टार्ट करते हैं जी ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये ब्रिज ब्रिज से पीछे जो है ये सारा ओवरसीज प्राइम ब्लॉक है और यहाँ से लेके इस पार्ट तक मैं आपको इनफैक्ट गूगल अर्थ की एजुकेशन की मदद से आपको मैं ट्राई करता हूँ कि इसको सेटलाइट इमेजेस भी दिखा दूँ कि ये कितना पार्ट अभी तक बन गया और कितना पार्ट अभी रहता है अगर हम बात करें जी इस पॉइंट के हवाले से अभी जो रोड है बेसिकली कनेक्टिविटी है वो इस पार्ट तक मुकम्मल इसकी कारपेटिंग हो चुकी है इस पार्ट तक इसकी मुकम्मल कनेक्टिविटी हो चुकी है अगर ओवरसीज प्राइम से आप एंट्रेंस गेट से ये चक्री रोड है गौसे गौ आज़, गौसे आजम चक्री रोड और इस रोड पे ये एच ब्लॉक के सामने तक आता है एच ब्लॉक के सामने तक इसकी जो मुकम्मल बनती है इस पार्ट तक कनेक्टिविटी मौजूद है अब आगे ये जाके जिस ब्रिज से कनेक्ट करेगा उस ब्रिज का ये पार्ट है वो ब्रिज का अब इस ब्रिज पे इस वक्त काम जो है ये सेटलाइट इमेजेस थोड़ी सी पुरानी है मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ी सी लेटेस्ट इमेजेस इमेजेसाइड के अपलोड हो जाएं ये थोड़ी सी इमेजेस पुरानी है सेटेलाइट की बट अगर आप रियलिटी में जा देखें तो ये ब्रिज जो है इसकी कनेक्टिविटी जो है तकरीबन आपने एंडिंग फेज़ में है और एंडिंग फेज़ में इसके साथ ही जैसे ही मुकम्मल होगा ब्रिज तो यहाँ से एक प्रॉपर रोड है जिसका ये लेआउट प्लान यहाँ भी सैटेलाइट पर नजर नहीं आ रहा बट एक्चुअली में यहाँ पर काफ़ी हद तक काम हो चुका है और यहाँ से कनेक्टिविटी बहाल हो जाएगी चक्री रोड से अगर हम आगे बात करें चक्री रोड से आगे तरफ मूव करें तो जो ये वाला रोड आपको नज़र आ रहा है अगर आप प्रीवियसली देखें तो रोड की राइट साइड पर ये काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी इलाका था और यहाँ पे क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको पता कि है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी एक ऐसी ट्रेन में वाक्य है कि यहाँ पर लेवल लैंड मिलना बहुत मुश्किल होता है बहुत कम होता है कि लेवल लैंड मिल जाए अदरवाइज सारा एरिया पहाड़ी इलाका ही कहलाता है अगर हम देखें कि इस रोड की कनेक्टिविटी के लेफ्ट साइड पे जो एग्जेक्टिव ब्लॉक बी है इसकी मैं सेपरेटली बाद में वीडियो पोस्ट कर दूँगा विलास के हवाले से और बाकी जो इसकी अपडेटेड हैं चीज़ें इस रोड के साथ कनेक्टिविटी इस पॉइंट से कनेक्ट करेगी जो मेन 400 फीट वाइड मेन बुलेवर्ड है जो स्मार्ट सिटी का मेन सेलिंग पॉइंट रहा है अब तक और इस पे ये आपको जो एक पॉइंट नज़र आ रहा है ये रोड पे आपको नज़र आ रहा होगा ये इस पर इस वक्त फोर फीट रोड पर काम हो रहा है अगर आप ऑन ग्राउंड देखें तो एग्जैक्ट मैप पर वही चीज़ मैच कर रही है थैंक्स टू माई आई टी टीम के इस उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस पर ये इसके साथ ओवरसी सेंट्रल से से का एरिया है बैक साइड पे इस रोड से कनेक्टिविटी पर से सेंट्रल को काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी चकली रोड से जो लोग पोजेशन अप्लाई करेंगे और इंटरचेंज लाइट से मुकम्मल तब तक नहीं होता तो वो चक्री रोड से डायरेक्ट एक्सेस लेके यहाँ पे अपने प्लाट्स पर जा सकते हैं अपने घरों को एक्सेस हासिल कर सकते हैं अगर हम बात करें जी इसके राइट साइड पे जो तो गोल्फ कोर्स करिए गोल्फ कोर्स के साथ यहाँ पे कुछ गोल्फ कोर्स के विलाज आएंगे जो आपको ये येलो कलर के दो कनाल के प्लॉट्स हैं ये लाइट येलो ये वाले एक कनाल के प्लॉट्स हैं ये वाले प्लॉट्स हैं ये पाँच मरला के होंगे मोस्ट प्रॉब्बली ये गोल्फ कोर्स के साथ एडजस्टेड होंगे ये अभी तक ब्लॉक अनाउंस नहीं हुआ कौन सा ब्लॉक होगा मोस्ट प्रॉब्बली गोल्फ कोर्स के विलाज ही होंगे लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया जैसे ये वाले विलाज हैं ये आपको नजर आ रहे हैं गोल्फ कोर्स सराउंडिंग विलाज़ यहाँ पे सिर्फ ये और सी से सेंट्रल का एरिया जो है वो ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है अगर हम इस वाले एरिया की बात करें तो आई थिंक इस पर तो अभी सिर्फ़ ब्राउनिंग का काम कुछ पार्ट पे हुआ है और बाकी ऐसा कोई और एक्टिविटी नहीं हुई इस पार्ट पे लेकिन जहाँ तक बात है अच्छा जाम मस्जिद के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जामा मस्जिद की लोकेशन कौन सी होगी तो अब जो मेन जा मस्जिद जो पुराने मैप में यहाँ पर थी अब इसको यहाँ पर मूव कर दिया गया है बट एज़ पर द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ़ मलिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ़ एचरल ग्रुप मलिक असलम साहब इस सैट की यहाँ पर भी एक जाम मस्जिद बाद में बनाई जाएगी लेकिन फॉर द टाइम बिंग प्रायोरिटी पर जो मस्जिद बनाई जाएगी जमा मस्जिद जो काफ़ी बड़ी मॉस्को होगी वो इस पार्ट में बनाई जाएगी तो इस रोड से इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी जब यह मकमल होगा इस रोड पर भी आपको रेल टाइम फुटेज में दिखाता हूँ एंड ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन के इस वक्त यहाँ पर डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है अगेन बैक टू रेल टाइम फुटज इस वक्त आप उसी रोड की फुटेज देख हैं जो मैंने आपको गूगल लोकेशन पर प्लस जो कैपटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान पे है पर एक्सप्लेन किया है कि इसकी इस, इस रोड की राइट साइड पे ये एंट्रेंस रोड वन है इसका पुराना नाम था एंट्रेंस रोड टू लेकिन नए मास्टर प्लान में एंट्रेंस रोड वन है जो चक्री रोड ओवरसीज प्राइम के मेन गेट से स्टार्ट होकर इस तरफ आती है अभी लेफ्ट साइड पे जहाँ पे आप कुछ मशीन्स नजर आ रही हैं और आई थिंक काफी डिप्रेशन वाला एरिया भी है ये एरिया ओवरसीज सेंट्रल में फॉल करता है और ओवरसीज सेंट्रल का जहाँ पे ये वाला एरिया बनता है ये रोड के एलिवेशन से ये जो रोड जहाँ से गुजर रही है ये काफी एलिवेटेड पॉइंट है लेफ्ट साइड पे डिप्रेशन वाला पॉइंट था तो उसको काफी हद तक फिलिंग करके जिस तरह भी करके उसको लेवल किया जा रहा है राइट साइड पर गोल्फ कोर्स के साथ आपको कुछ एक कंस्ट्रक्शन होती है वो नजर आ रही होगी ये एच का प्लाट है पे एक एम साइन हुआ था कुछ अर्सा पहले तो इस पर साथ ही उन्होंने इस पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी अपने ऑफिसेस पे मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले दिनों में यहाँ पे जो एक 350 बेड का हॉस्पिटल है 350 बेड या 400 बेड का हॉस्पिटल है उसी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हो जाएगा जब वो स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली स्मार्ट सिटी में एक कोई भी सोसाइटी में पहले बेस पे जब कोई भी अभी तक रेजिडेंट रहने के लिए नहीं आया और वहाँ पे एक हॉस्पिटल बन जाता है तो काफ़ी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट के लिए ये जो आपको मैं एक मेन फोर फीट रोड के साथ यहाँ पे एक जो ड्रेनेज आप लाइन कह लें कि यहाँ पे स्मार्ट सिटी में जब जहाँ से बात बारिशें वगैरह होंगी और एक बरसाती नाला बनाया गया है और एग्जैक्ट फोर हंड्रेड फीट रोड इसकी लेंथ जो है फोर हंड्रेड फीट रोड के इक्वल रखी गई है तो जब ये फोर हंड्रेड फीट रोड मुकम्मल होगा तो डेफिनेटली आप लोगों को आइडिया होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी बड़ी सोसाइटीज़ हैं तमाम सोसाइटी से बड़ा मेन एंट्रेंस रोड होगा या मेन बुलेट जो होगा तमाम सोसाइटी से ये एक रोड स्मार्ट सिटी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होगा अभी रोड पे मुकम्मल कंस्ट्रक्शन का आगाज़ नहीं हुआ बट जब ये रोड मुकम्मल होगा जब भी तो ये किसी भी सोसाइटी में बनने वाला सबसे बड़ा फ्लैगशिप रोड होगा बाकी बैक साइड पे आपको कुछ आपको कुछ एक रोड नजर आ रहा है जो प्रीवियसली यहाँ पे पुरानी आबादी है उनके लिए एक्सेस है और इस रोड पे इस वक्त जो आप करंट फुटेज देख रहे हैं स्क्रीन पे ये उस रोड की मेन फोर एंड फीट रोड की फुटेज है और बैक साइड तक कनेक्टेड है या जाके पीछे ओवरसीज़ सेंट्रल के जो दूसरे ब्लॉक्स हैं यानी एक तो मैंने वीडियो बनाई थी डॉक्टर इन क्लियर की जो बाकी दूसरे ब्लॉक्स हैं उनसे कनेक्ट करेगी ये ओवरऑल जो स्मार्ट सिटी की आपने ग्राउंड फुटेज देखी है ये एंड ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन है मैं ट्राई करूँगा कि मोस्ट अपडेटेड फुटेज एंड ऑफ नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन भी पोस्ट कर दूँ ताकि तमाम मैंबर्स जिन्होंने ओवरसीज़ सेंट्रल में इन्वेस्ट कर रखा है तो उनको अपने ओवरसीज़ सेंट्रल की इन्वेस्टमेंट पे अच्छा फीडबैक मिल सके अब दूसरी जो बड़ी चेंज आई है रिसेंट डेज में वो है ये है कि गोल्फ कोर्स की जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा पेस तेज़ की गई है अब ये जो आपको लैंड नज़र आ रही है जहाँ पर कुछ आपको कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए पाइलिंग भी नज़र आ रही है ये वाला एरिया जो है ये पहले बहुत ज्यादा पहाड़ी पहाड़ी इलाका था मतलब पहाड़ियाँ ही थी सिर्फ यहाँ पे ऑन ग्राउंड एग्जिस्टेंस ज़मीन पर कुछ भी नहीं था लेकिन अगर आप आज साइड पर विजिट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एरिया जो है ना बहुत ज़्यादा एरिया लेवल हुआ नज़र आएगा सिर्फ सोसाइटी का जो फोकस है वो ओवरसीज़ सेंट्रल ओवरसीज़ प्राइम ओवरसीज़ ईस्ट इस पर है एग्जैक्टिव ब्लॉक के देखा जाए तो उस तरह डेवलपमेंट के पेस को मद्देनज़र नहीं रखा गया उसको इग्नोर किया गया आई डोंट नो वट्स अ रीज़न बट एग्जैक्टिव ब्लॉक को भी मेरा ख्याल है इस तरह प्रेफरेंस मिलनी चाहिए डेवलपमेंट वाइज क्योंकि एग्जैक्टिव ब्लॉक के मेंबर्स भी उनकी इन्वेस्टमेंट भी इस पर कैपिटल स्मार्ट सिटी में है तो उन्होंने इसी तरह सोच पर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की थी कि एच का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर डेवलपमेंट जो है काफ़ी तेज़ी से होगी एच एल के नाम को एक बटा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्जैक्टिव ब्लॉक मेंबर जिन्होंने दो में फाइल्स खरीदी और अभी तक उन फाइल्स के बारे में उन प्लाट्स की डेवलपमेंट के वाले से कोई अपडेट नहीं है इसके अलावा डेवलपमेंट ना होने के अलावा यहां पे एग्जेक्टिव ब्लॉक की सबसे बड़ी रुकावट है वह कि किटिव ब्लॉक की रीसेल नहीं है तो सोसाइटी मैनेजमेंट जाहिर सी बात है रीसेल तो उसकी नहीं ऑपरेशन कर सकती बट ओवरऑल सोसाइटी उसकी डेवलपमेंट को तो मद्देनजर रख सकती है कि जैसे ये एंट्रेंस ब्रिज बनाया गया है इसके साथ जो ओवरसीज़ प्राइम में मशीनरी लगी हुई है हालांकि ओवसीज़ प्राइम ट्वेंटी ट्वेंटी में सेल किया गया था मेरे बहुत ज्यादा क्लाइंटेज की इन्वेस्टमेंट ओवरसीज प्राइम में बट डेफिनेटली आपको साढ़े तीन साल का इंस्टॉलमेंट प्लान मिला हुआ है तो उस इंस्टॉलमेंट प्लान में तकरीबन ढाई साल का टाइम रहता है और फिर उसकी डेवलपमेंट तकरीबन एटी परसेंट मुकम्मल हो गई है तो आप एटी परसेंट फोर्सेस प्राइम की मशीनरी को है उस मूव कर दें इन एग्जैक्टिव ब्लॉक तो मेरा ख्याल है उसके डेवलपमेंट में काफ़ी इजाफा हो सकता है और इस वक्त जो आप गोल्फ कोर्स की मशीनरी देखते हैं इतनी है कंपलसरी गोल्फ कोर्स प्रोडक्ट नहीं कंपलसरी है बट इतना कंपलसरी नहीं है कि उसको एक्जेक्ट ब्लॉग से प्रेफरेंस दी जाए सो वज दिस इट फ्रॉम टुडे अगर आपको स्मार्ट सिटी बुकिंग के बारे में कुछ मालूमा चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है आप मुझे वाट्सअप कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और हमारी वेबसाइट पर विजिट करें डब्ल्यू 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 डॉट मकान सोलूशन डॉट कॉम इस पर तमाम प्रोजेक्ट्स की आपको डिटेल मिल जाएंगी रिजवान चिमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़